नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं रेलवे का जो आज रिज़ल्ट आने वाला है, 8 तारीख को आंसर की आने वाली है, उसके बारे में बताने आया हूँ कि कितना पिछले साल कितना कट ऑफ गया था। तो देखिए, पिछले साल अहमदाबाद जोन का गया था, वो जनरल का गया था 72.86, OBC का गया था 64.91, 57 गया था SC का, और ST का गया था 48.1। और इसी तरह अगर बात करें अजमेर जोन की, तो अजमेर जोन का कट ऑफ 77.39 जनरल का गया था, जो प्री था, मतलब स्टेज वन के बाद, और 70 गया था OBC का, और 62 गया था SC का, और 59 ST का गया था। इसी तरीके इलाहाबाद जोन का सबसे, मतलब इलाहाबाद जोन का भी 77.49 गया था जनरल का, OBC का गया था 70.47, और OBC का गया था 70.47, और SC का गया था 62.85। तो इस तरीके आप देख सकते हैं। और बाकी देखिए, बाकी जोन जैसे मैं इलाहाबाद हो गया, मेन जोन है जैसे भोपाल हो गया, 72.9 हो गया। देखिए इस टाइप से आप कट ऑफ चेक कर सकते हैं ST। बाकी ये देखिए, इस तरीके गोरखपुर जोन का देखिए, 77.43 गया था गोरखपुर का जनरल में, और OBC में गया था 69, और SC में गया था 56। इसी तरीके कलकत्ता का देखिए, 79.5 गया था। यहाँ पे सबसे कम जो कट ऑफ गया था, सबसे कम कट ऑफ गया था हमारा मालदा जोन का। मालदा जोन का गया था 61.87 जनरल में, और 43.11 SC कैटेगरी में गया था। तो इस तरीके अब ये कट ऑफ देख सकते हैं कितना ज़्यादा है, और पिछली बार ज़्यादा और इस बार मतलब अप्रॉक्सीमेट इक्वल ही रहना चाहिए, क्योंकि पिछली बार सीटें कम थी और कैंडिडेट ज़्यादा थे, लेकिन इस बार क्या है, सीटें ज़्यादा है, कैंडिडेट भी उतने ही हैं जितने पिछली बार थे, उससे थोड़े से ज़्यादा हैं। तो इस बार उम्मीद है कि कट ऑफ इसी के ही लमसम जानी चाहिए, इसी के ही पास में ही जानी चाहिए। हो सकता है 1-2 नंबर का ज़्यादा डिफरेंस होगा। और ये नॉर्मलाइज मार्क्स हैं, ये बताना भूल गया, नॉर्मलाइज होने के बाद हैं ये, लोगों के बढ़े हुए मार्क्स हैं उसके बाद हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इतने ही हैं। और देखिए, सबसे कम मुजफ्फरनगर में SC कैटेगरी में 30.06 गया था मुजफ्फरपुर में, तो आप ये देख सकते हैं, और मुजफ्फरपुर का 30.06 गया था। तो इस तरीके डिफरेंट कट ऑफ हैं, आप अपना एनालिसिस करके आंसर की 8 बजे आ जाएगी, नंबर जोड़ के चेक कर सकते हैं इस वेबसाइट से। ओके, थैंक यू।